वेलकम टू माई चैनल फिटनेस सैनिक। सो गाइस, आई एम रियली सॉरी, बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं वर्कआउट नहीं कर रहा था। गाइस, मैंने अभी जनवरी में मिनिस्ट्री ऑफ फिटनेस ज्वाइन किया था नोएडा में, और लास्ट ईयर मैं मई से लेके अक्टूबर तक लीन डाइट पे था। मेरा फैट बहुत ज़्यादा कम हो गया था, देन आई हायर्ड अ कोच जिसने मुझे गेनिंग पे डाल दिया, एंड देन मेरा फैट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, तो मैं बस उसी को रिड्यूस करने में लगा था। फरवरी 15 से मैं अभी डाइटिंग पे हूँ, एंड राइट नाउ आई एम इन एक्सट्रीम डाइटिंग फेज वेयर इन मैं सैलड पे आ चुका हूँ, मेरा कार्ब कंटेंट कम हो चुका है, आई एम टेकिंग ओट्स, एंड राइट नाउ आई रियली गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। सो अब मैं लीन हो चुका हूँ, जो मेरा गोल था। सो अभी हम दोबारा चैनल अपना स्टार्ट करेंगे, वेयर इन आपको हर दो आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी, दो वीडियोस मिलेंगी आपको हर वीक। और गाइस, मैं अभी ऑर्डर किया था, ये है माउनो का वायरलेस माइक्रोफोन, तो ये भी आ चुका है। सो अब मैंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी है, आई हैव दिस सोनी ZV-1 कैमरा विद मी अलॉन्ग विद द वायरलेस माइक्रोफोन, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फ़ोन है विद नॉइस कैंसिलेशन। गाइस, मुझे आज ही मिला है, कल मैंने इसको ऑर्डर किया था और ये मुझको पड़ा है 6063 रुपीज़ का, इसको यूज़ करेंगे। सो गाइस, नाउ हर हफ्ते दो वीडियोस आएंगी, एंड स्टे ट्यून्ड, आई हैव अ लॉट मोर कमिंग। मेरा भाई के साथ मेरा ट्रिप बनने वाला है, बताएंगे बहुत जल्दी कहाँ का बनने वाला है। मेरे दोस्त का बर्थडे अभी आ रहा है, सो एवरीथिंग इज़ ऑन इट्स वे। स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो गाइस, आई वॉज वर्किंग रियली हार्ड, राइट नाउ थिंग्स हैव रियली शेप्ड अप, एंड नाउ आई एम गोइंग टू जिम, सी यू देयर। सो आज मेरा रहेगा चेस्ट वर्कआउट गाइस। हे गाइस, जिम हम पहुंच चुके हैं, सो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना वर्कआउट। गाइस, अंदर बहुत ही लाउड म्यूजिक बज रहा है। सो मैंने आज माउनो के वायरलेस माइक खरीदे थे, और अगर मैंने उसको यूज़ किया अंदर तो गाइस यू नो स्ट्राइक आ जाएगा चैनल पे, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। सो लेट्स सी, अगर यूज़ कर पाएंगे तो करेंगे, वरना आई जस्ट वर्कआउट। ठीक है, show me I'ma leave with you. If I woke up in a party, motherfuckers better move. If a motherfucker try me, I'ma put him on the news. Don't want no fucking bitch, I came in the club, ayy, ayy. Watch out, motherfucker, cause I'm looking for a lick. Got diamonds on my wrist, brass knuckles on my face. I'm flipping motherfuckers in the face, in the pit. Might hit him in the head, I got a hundred degrees away. I'ma put a plate through his chest like a thunder leg. Bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like Bruce Lee. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a two-seat. Swagged out, familiar, we bringing them gas out. I still got some racks stuffed in the trap house. Up to 42, I'm blowing her back out. I'm back. तो गाइस, अभी हो गई है फ्लैट बारबेल चेस्ट, अभी करेंगे इंक्लाइंड बारबेल। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn. So guys, I'm very lightweight, because my bicep ruptured. I had an injury in this side. I had a lot of deadlift and a lot of bent over. Superhead. तो बहुत वेट है, बहुत ज़्यादा रैप्स मारे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये मसल रप्चर हो गई थी। तो अभी अप्रैल से एक महीने का मैंने गैप लिया था, और अभी दो महीने का और थोड़ा स्लो वर्कआउट रहेगा, लाइट वेट रहेगा। प्रॉब्ली जून एंड जब प्रॉपर रिकवरी हो जाएगी, देन हम थोड़ा बढ़ाना शुरू करेंगे। तो अभी इंक्लाइंड हो चुका है, आई एम फोकसिंग मोर ओवर ऑन अपर चेस्ट, राइट। तो अभी हम करेंगे इंक्लाइंड प्रेस, डंबल प्रेस। Show me I'ma leave with you. If I woke up in a party, motherfuckers better move. If a motherfucker try me, I'ma put him on the news. Don't want no fucking bitch, I came in the club, ayy, ayy. Watch out, motherfucker, cause I'm looking for a lick. Got diamonds on my wrist, brass knuckles on my face. I'm flipping motherfuckers in the face, in the pit. Might hit him in the head, I got a hundred degrees away. I'ma put a plate through his chest like a thunder leg. Mm.
What's What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental. गाइस, ये कैफ़े है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फिटनेस सेक्टर 136 नोएडा में। सो गाइस, अगर आप कभी अपनी मील्स लेके नहीं आते हो तो आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बोर्ड इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी, बनाना शेक, पीनट शेक, चॉकलेट शेक, बहुत टाइप के शेक्स मिल जाते हैं। वेज सैलड, पनीर सैलड, चिकन सैलड मिल जाते हैं। रेंज काफ़ी अच्छी है इनकी। 150 ग्राम ऑफ चिकन सैलड आपको 170 का पड़ेगा। मैं 200 ग्राम पैक कराता हूँ तो वो 250 रुपये का पड़ता है, राइट। सो कभी आपको पोस्ट वर्कआउट मील लेनी हो, मील लेके नहीं आए हो, पैक करके यहाँ पे आ सकते हो। यू कैन हैव योर मील्स। ऑल इन ऑल गाइस, बहुत ही अच्छा जिम मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। बहुत ज़्यादा चेंज आया है मेरी फिजीक में। सो गाइस, अगर जिम में अच्छे इक्विपमेंट्स हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, लोग अच्छे हों, ट्रेनर्स अच्छे हों, यहाँ के ट्रेनर्स काफ़ी अच्छे हैं, कोई भी आपको एक्सरसाइज पूछनी हो, आपको बताया था यहाँ पे दो टाइप के ट्रेनर्स हैं, एक जनरल ट्रेनर्स हैं, एक पर्सनल ट्रेनर्स हैं। सो जनरल ट्रेनर्स आपको गाइड करेंगे एंड इवन पर्सनल ट्रेनर्स भी आपको हेल्प कर देते हैं, राइट। इफ़ यू आर लिफ्टिंग वेट्स आपको हेल्प कर देते हैं एंड काफ़ी अच्छी नॉलेज है, राइट। सो थोड़ा सा मैं आसपास यहाँ पे काफ़ी जिम्स ज्वाइन कर चुका हूँ तो वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे ट्रेनर्स नहीं मिले एज़ कम्पेयर टू दिस वन। सो ऑल इन ऑल गाइज, दिस इज़ अ वेरी good environment in gym and you can join it. यहाँ से guys चलते हैं अभी घर and then आज करेंगे कुछ बात। So guys, अभी मैं अपनी सोसाइटी पहुँच चुका हूँ। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, फीवर था, थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ था, तो मैं आज ऑफिस नहीं गया हूँ, अभी मैं ऑफिस से छुट्टी ली है। सो गाइज, ये आप देखिए, ये है टेनिस ग्राउंड यहाँ पे, राइट। ये है बास्केटबॉल ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो आगे बैडमिंटन खेल सकते हो, राइट। सो गाइस, मुझे भी आपसे, आप लोगों से बात करनी थी। बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं लास्ट ईयर मई में आ गया था नोएडा, सेक्टर 143। मैं सेम ही सोसाइटी में जा रहा हूँ, राइट। तो गाइस, मैं मई से लेके अक्टूबर नवंबर तक डाइटिंग पे था एंड देन उसके बाद मैंने एक कोच हायर किया था, उस नेम वॉज मिस्टर नदीम मलिक। कोच काफ़ी अच्छा था बट उसने मुझे गेनिंग में डाल दिया था और मैं फिर काफ़ी फैट मैंने एक्यूमुलेट कर लिया था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वीडियोस उस समय बनाऊं। तो हालांकि काफ़ी मसल गेन हुआ था मेरा एंड इवन गेनिंग में मेरी आर्म्स की मसल्स पूरी पॉप आउट कर रही थी, बट देन ऑल्सो आई थॉट कि आई विल गो अगेन ऑन लीन एंड देन उसके बाद मैं आप सबसे कनेक्ट करूँगा। गाइस, मैंने कल ही ऑर्डर किया है ये माउनो के वायरलेस माइक हैं जिनसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट। नाउ आई एम कनेक्टिंग विद यू ऑल। सो मुझे ज़रूर बताना कि आपको ऑडियो का क्वालिटी कैसी लगी है क्योंकि मैंने इसे कल ही ऑर्डर किया है, कल रात को मैंने ऑर्डर किया है, आज मॉर्निंग को मुझे ये मिल गया। सो आई रियली लाइक्ड द सर्विस एंड इसके रिव्यूज़ देखे थे मैंने, तो रिव्यूज़ मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, राइट। सो गाइस, नवंबर में मैंने अपने कोच को हायर किया था, उसने मुझे गेनिंग पर डाल दिया, राइट। उसका ट्रेनिंग प्लान काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सुपर सेट्स किए, काफ़ी नॉलेज मिली मुझे, बट जब मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी उसके बाद भी मैं
काफ़ी इंटेंस वर्कआउट कर रहा था, सुपर सेट थे, हैवी रेप्स मार रहा था, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स एंड बेंट ओवर एंड डेडलिफ्ट से आई गेस मुझे ये इंजरी हुई है। मेरे बाइसेप में, बाइसेप की जो मसल होती है वो रप्चर हो चुकी है, राइट। तो मैं अब ज़्यादा हैवी लिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो राइट नाउ आई हैव रिकवर्ड, क्योंकि अप्रैल में मुझे इंजरी, मार्च में काफ़ी एक्सट्रीम हो गई थी, तो अप्रैल में मैंने एक महीने के लिए वर्कआउट मुझे छोड़ना पड़ा, घर पे मैंने वर्कआउट किया एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरे लेफ्ट हैंड ने रिकवर किया एंड देन मैं जिम मैंने मे 1 से स्टार्ट किया एंड अभी भी मैं ज़्यादा वेट नहीं लिफ्ट कर रहा हूँ, बट पहले से रिकवरी काफ़ी बेटर हुई एंड आई बिलीव 3 months अगर हो जाएंगे प्रॉब्ली जून एंड तक आई विल रिकवर, बट एट दिस पॉइंट टाइम मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा लाइट वेट ही उठाएं, लाइट एंड मॉडरेट वेट, आई विल नॉट गो हाई। तो गाइज अब मेरे चैनल पे कॉन्टीन्यूसली वीडियोज़ आएंगी, वीक में 2 बारी वीडियोज़ आएंगी, वो कभी भी हो सकता है, क्योंकि गाइज आई एम एन ऑफिस गोइंग गाय, मैं अकाउंटिंग में जॉब करता हूँ, आई रिसेंटली स्विच्ड माई जॉब फ्रॉम जेनपैक टू EXL, ऑल दो आई एम गेटिंग टाइम, बट गाइज यू ऑल्सो नो देर इज़ लॉट ऑफ वर्क प्रेशर एज वेल, राइट, एंड बहुत सारे घर के काम होते हैं बिकॉज आई एम लिविंग हेयर अलोन, राइट, सो सब काम खुद करने होते हैं, तो जितना मुझे टाइम मिलेगा आई विल मेक वीडियोज़, बट अब हफ्ते में 2 वीडियोज़ आपके लिए आएंगे ही आएंगी गाइज, राइट। सो गाइज अभी मैं सैलेड लूँगा नाइट में, आई एम राइट नाउ ऑन फैट लॉस, मेरा फैट पूरा ख़त्म हो चुका है, आई एम इन द वर्ज ऑफ गेटिंग एब्स, सो उसी के लिए मैं ट्रेन कर रहा हूँ, तो अभी मैं एक्सट्रीम डाइटिंग पे हूँ। हे गाइस, सो अभी मेरा डिनर टाइम है और डिनर टाइम में मैं ले रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं सैलेड ले रहा हूँ फिलहाल। सो गाइस दिस इज़ ब्रोकली एंड कॉटेज चीज़, दैट इज़ पनीर एंड कॉर्न, सो मैं 100 ग्राम कॉर्नस लेता हूँ एंड पनीर एंड ब्रोकली एंड दिस इज़ लेटस, दैट इज़ पत्ते, जंगली घास। सो गाइस दिस इज़ माय मील एंड अगर मुझे रात को भूख लगती है, सो गाइस मैं लेता हूँ ब्लैक कॉफ़ी, राइट, 2 ब्लैक कॉफ़ी। सो गाइस ब्लैक कॉफ़ी क्या करता है, इट मेक्स यू फुल, आपको भूख नहीं लगने देता और साथ में आपको एनर्जी देता है, एट द सेम टाइम फैट लॉस भी करता है, सो दैट्स द रीज़न आई मोस्टली अवॉइड टी, अगर मुझे भूख भी लगती है, सो आई टेक अ मिल्क कॉफ़ी इन अ डे, बस एक लेता हूँ, वो भी ऑफिस में, जब मैं ऑफिस में होता हूँ, यूजुअली ये मेरा ऑफिस टाइम होता है, सो ऑफिस में एक कप कॉफ़ी ले लेता हूँ एंड मॉर्निंग में गाइस मैं आपको अपनी मील्स बताना भूल चुका हूँ, दिखाना भूल चुका हूँ, सॉरी, एंड आफ्टरनून में एज वेल बिकॉज आई वॉज इन अ हरी। सो गाइस मैं लेता हूँ 100 ग्राम्स ओट्स, राइट, साथ में दिस इज़ अनस्वीटेंड पीनट बटर गाइस, अगर आप देखोगे इसको तो ये आपको दिखेगा अनस्वीटेंड पीनट बटर, ये मीठा नहीं होता है, दिस इज़ नेचुरल पीनट बटर एंड दिस इज़ ऑफ पिंटोला गाइस, सो एक चम्मच ये लेता हूँ और साथ में गाइस दिस इज़ हनी, मैं ये डालता हूँ इसके अंदर, ये तो खैर एक और पैकेट था, सो दिस इज़ हनी, सो गाइस मैं ये यूज़ करता हूँ साथ में एंड ये भी 1 टेबल स्पून एंड आई चेंज माई डाइट अकॉर्डिंग टू माई गोल्स, सो राइट नाउ मैं फैट लॉस जर्नी पे हूँ, मेरा पूरा फैट चले गया है, अभी आप देख सकते हो गाइस आई एम रियली वैस्क्यूलर और मैं भी सिर्फ नेचुरल डाइट ले रहा हूँ, मैंने प्रोटीन छोड़ दिया है, आई एम इन, सो राइट नाउ आई एम इन दैट फेज वेर इन आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर फाइनेंशियल हेल्थ, म्यूचुअल फंड तो मैं बहुत टाइम से करता ही था, अब मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, सो आई एम टेकिंग नेचुरल डाइट एंड अभी मैं डिटॉक्स कर रहा हूँ अपनी बॉडी को, सो मैंने मार्च से अभी तक कोई प्रोटीन नहीं यूज़ किया है एंड मेरी इंजरी भी हो गई थी। गाइज इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू फैट लॉस, सो यू शुड यूज़ दिस, यू शुड मेज़र योर फूड, राइट, अगर आप मेज़र करोगे तभी आपको पता लगेगा आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो, मैं अभी 1800 कैलोरीज खा रहा हूँ एंड आई एम एन एंडोमॉर्फ, सो गाइज मुझे एक्सट्रीम डाइट करनी पड़ती है तभी जाके मेरा फैट लॉस होता है एंड राइट नाउ आई एम रियली हैप्पी। स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल गाइज, अभी आपको बहुत अच्छी वीडियोज़, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, मैंने अभी मौनो का ये ख़रीदा था राइट माइक एंड इट इज़ परफॉर्मिंग वेल, अगर आपको अच्छा लगा हो जो भी आपके रिव्यूज़ है प्लीज़ डू कॉमेंट एंड अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड अब आपको हर हफ्ते 2 वीडियोज़ मिलेंगी एनी हाउ गाइज।
So guys, I will see you in my next video. Till then, take care. Bye-bye.